फिक्र आपकी प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। इस वक्त काबुल के रंदे ही रण क्षेत्र बना हुआ है। 5 दिन से लोग किस भीषण हालात में एयरपोर्ट पर जमे हुए हैं और कैसे गोलाबारी हो रही है, आज आपको फ्रेम दर फ्रेम अफगानिस्तान के अवाम की बेबसी की पूरी तस्वीर दिखाएंगे और आपको तालिबान का पूरा चक्रव्यूह दिखाएंगे। काबुल एयरपोर्ट के अंदर भले ही अमेरिकी एयरफोर्स की सेना का कंट्रोल हो, लेकिन तालिबानियों ने उसे पूरे देश से काट रखा है। तालिबानी अत्याचार से डरे लोग जब देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट का रुख कर रहे हैं तो उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। इस बीच भारत के लिए एक बड़ी फिक्र खड़ी हो गई है। बड़ी फिक्र यह है कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में जगह जगह हथियारों का भंडार छोड़कर भागी है जो अब तालिबान के हाथ लग चुका है। आशंका यह है कि इन हथियारों की चीन और पाकिस्तान के बीच बंदरबांट होगी जो आने वाले दिनों में भारत के लिए खतरा बनेगा। खतरा उन अफगानी जासूसों की जान का भी है जो 20 साल तक आतंक के खिलाफ लड़ाई में अमेरिकी सेना का साथ देते रहे, और ऐसे लोगों का अमेरिकियों ने जो बायोमेट्रिक डेटा तैयार किया था वो भी तालिबान के हाथ लग चुका है। इस डेटा से तालिबान कैसे खूनी लिस्ट का खाका खींच सकता है, आज आपको यह भी बताएंगे। फिक्र अफगानिस्तान की, जहां का संकट बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका, भारत समेत तमाम देशों की नजरें इस वक्त अफगानिस्तान पर टिकी है। जहां 5 दिनों से तालिबान का कब्जा है, वो सरकार बनाने की कवायद में जुटे हैं, लेकिन समय बीतने के साथ अफगानिस्तान में तालिबानियों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, जिन तालिबानियों के हाथ भारी मात्रा में अमेरिकी और अफगान आर्मी के हथियार और हेलीकॉप्टर्स लगे हैं, आज वो अफगान एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से पेट्रोलिंग करते देखे। तालिबानियों ने यह हेलीकॉप्टर पेट्रोलिंग हेरात शहर में की, मतलब तालिबानियों ने यह दिखाना शुरू कर दिया है कि ये वाकई बदले हुए तालिबान हैं जो अमेरिकी हथियारों के साथ साथ हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करना जानते हैं। जबकि 5 दिनों में ही इनका असली चेहरा दिखने लगा है। पूरे मुल्क से इनकी क्रूरता की तस्वीरें सामने आने लगी है। देखिए बदगीस प्रांत का एक वीडियो जिसे हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते। इस वीडियो में दिख रहा है कि बदगीस प्रांत में सरेंडर कर चुके पुलिस प्रमुख हाजी मुल्ला का पहले हाथ पैर बांध दिया गया, फिर उसे गोलियों से भून दिया गया। यहां तक कि मरने के बाद भी इस पुलिस प्रमुख पर कई राउंड फायरिंग की गई। एक तरफ अफगानिस्तान। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तालिबान खौफ का साम्राज्य स्थापित करना चाह रहा है तो दूसरी ओर वहां कई प्रांतों में तालिबान का विरोध शुरू हो चुका है। आज वहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में महिलाओं ने राष्ट्रीय झंडा थामकर तालिबानियों का विरोध मार्च निकाला। इस मार्च पास में महिलाओं और लड़कियों ने नारा लगाया कि अफगानिस्तान हमारा है और राष्ट्रीय ध्वज हमारी पहचान है। इनका मार्च पास तालिबानियों ने के पास से भी गुजरा। वही दूसरी तस्वीर भी काबुल की है जिसमें दिख रहा है कि स्थानीय युवकों ने, काबुल में स्थानीय लोगों ने मशहूर अब्दुल हक स्क्वायर से तालिबान के झंडे को उतार दिया और वहां अफगान राष्ट्रीय तिरंगा फहरा दिया। काबुल के कई शहरों में तालिबान का आज विरोध हुआ और तालिबानियों का झंडा हटा दिया गया। उधर पंजशीर प्रांत में भी तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। यहां स्वघोषित राष्ट्रपति अमरुल्ला साले और प्रसिद्ध तालिबान विरोधी लड़ाके के बेटे अहमद मसूद के नेतृत्व में तालिबान के विरोध की तैयारी चल रही है जिसमें अफगानिस्तान फोर्स के कई जवान हिस्सा ले रहे हैं। कुल मिलाकर अफगानिस्तान के कई शहरों में तालिबान का विरोध शुरू हो गया है और उसकी वजह है तालिबान की क्रूरता, क्योंकि पहले 2 दिनों को छोड़ दें तो पिछले 3 दिनों से पूरे अफगानिस्तान में तालिबानियों ने तांडव करना शुरू कर दिया है। सरेआम इंसानों का लहू बहाना और महिलाओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि राजधानी काबुल में भी तालिबानियों ने किलाबंदी कर दी है। अफगानियों को एयरपोर्ट नहीं जाने दिया जा रहा है और जो लोग एयरपोर्ट पर जमा हैं उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। जिस काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान छोड़ने की होड़ लगी, मौत की दौड़ लगी। प्लेन पर चढ़ने के लिए अफरा तफरी मची। घर बार और परिवार तक को छोड़कर लोग प्लेन से लटकने, गिरने और मरने लगे। उसी एयरपोर्ट पर अंधाधुंध फायरिंग हुई।
देखिए ताबड़तोड़ गोलीबारी के बीच एयरपोर्ट पर चीख पुकार मच गई। महिलाएं पुरुष बच्चे सब के सब जान बचाने के लिए भागने लगे छिपने लगे। बताया जाता है कि अमेरिकी फोर्स ने हालात पर काबू करने के लिए फायरिंग की जिसके बाद यहां दहशत मच गई। तालिबान के डर से अफगान छोड़ने आए लोग खौफ से भर गए। कल देर रात भी काबुल एयरपोर्ट पर जबरदस्त फायरिंग हुई। फायरिंग शुरू होते ही वहां अफरा तफरी मच गई जिससे जहां रास्ता मिला उधर भागने लगा। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर चीखने चिल्लाने लगी। दरअसल काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त भारी भीड़ जमा है। हजारों अफगानी देश छोड़कर भाग जाना चाह रहे हैं जिसके चलते एयरपोर्ट पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जिसे काबू करने के लिए बीती रात सिक्योरिटी फोर्स ने गोलियां चलाई जिसके बाद एयरपोर्ट के एक दूसरे हिस्से में धूल का गुबार भी उठता दिखा। अफगानिस्तान की लड़ाई काबुल एयरपोर्ट पर किस कदर सिमट कर रह गई है उसकी एक और बानगी देखिए। रात के अंधेरे में एयरपोर्ट पर धुएं का गुबार उठा है और तारबंदी के उस पार अमेरिकी फौजें खड़ी हैं। इस पार एक महिला तालिबानियों के कब्जे में है जो चीख रही है चिल्ला रही है तालिबानियों को यहां से चले जाने को कह रही है। मतलब साफ है कि एयरपोर्ट के हिस्से पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका है जिसकी तस्दीक ये तस्वीर भी कर रही है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर तालिबान के हथियार बंद लड़ाके घूम रहे हैं, अफगानियों से घर लौटने को कह रहे हैं और मुखालफत करने पर महिलाओं को भी पीट रहे हैं। देखिए काबुल एयरपोर्ट पर हजारों बैग के साथ महिलाएं बच्चे बुजुर्ग और दिव्यांग दिख रहे हैं। तालिबान ने उन्हें डरा धमका कर मारपीट कर लौटने को कह रहे हैं लेकिन ये लोग तालिबान वाले अफगानिस्तान में वापस नहीं लौटना चाह रहे हैं। वतन छोड़ने की जिद पर अड़े हैं क्योंकि इन्हें पता है कि तालिबान लाख दावे कर ले वो कभी उदार नहीं हो सकता क्योंकि जिसकी तालीम जुल्म और ज्यादती की पाठशाला में हुई हो उससे महिलाओं और इंसानों के साथ अच्छे सुलूक की उम्मीद नहीं की जा सकती। जिसकी बानगी काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में दिखने भी लगी है। इसी दहशत के मारे काबुल एयरपोर्ट पर देश छोड़ने की होड़ लगी है। तालिबानियों और सुरक्षा बलों की गोलीबारी के बावजूद लोग एयरपोर्ट से हट नहीं रहे हैं। यहां तक कि माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को तारबंदी के पार सिक्योरिटी फोर्स को सौंप दे रहे हैं। साफ है कि काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी लड़ाकों की दहशत दिख रही है। सोमवार से अब तक वहां गोलीबारी और भगदड़ में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है। अभी भी काबुल में हजारों लोग फंसे हैं जो जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते हैं। अगर भारत की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में 1000 लोग से अधिक लोग अफगानिस्तान से वापस आ चुके हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद 200 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। अब लगभग 400 भारतीयों को वहां से लाना है। सरकार देख रही है कि 1-2 दिन में काबुल एयरपोर्ट से अगर कमर्शियल फ्लाइट शुरू नहीं होती हैं तो फिर ग्लोब मास्टर के जरिए उनको लाया जाएगा। काबुल एयरपोर्ट की कुछ और तस्वीरों को हम आपको दिखाते हैं जो पिछले 5 दिनों से अफगानिस्तान की लड़ाई का केंद्र बना हुआ है। वहां अफगानी महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को अमेरिकी सैनिकों को सौंप रही हैं ताकि उनका बच्चा सुरक्षित एयरपोर्ट के अंदर चला जाए क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर खड़े लोगों पर तालिबान के लोग जुल्म ढा रहे हैं, कोड़े बरसा रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। गोलियों का शोर ऐसा कि दिल दहल जाए। एयरपोर्ट पर बारूदी धुआं इतना कि इंसान दहशत से भर जाए। ये काबुल एयरपोर्ट पर अंधाधुंध फायरिंग की एक नई तस्वीर है जिसमें दिख रहा है कि भारी गोलीबारी के बीच लोग बेहद खौफजदा हैं, किसी तरह जान बचाना चाह रहे हैं लेकिन भाग नहीं पा रहे हैं। एक मिनट 15 सेकंड के इस वीडियो का एक एक फ्रेम दहलाने वाला है। ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट के बाहरी इलाके का डरावना दृश्य है जहां अफगानी लोग देश छोड़ने के लिए जमा है। वहां ताबड़तोड़ गोलीबारी से अफरा तफरी मच गई। देखिए अगर एक सेकंड के लिए भी बंदूक की गर्जना शांत पड़ती तो लोग भागने के लिए उठकर खड़े होते हैं लेकिन फिर फायरिंग शुरू होते ही लोग जमीन पर बैठ जाते हैं।
इस वीडियो में लोकल लैंग्वेज में कुछ अनाउंसमेंट भी हो रही है। कहा जा रहा है कि तालिबानियों ने वहां अफगानी लोगों से घर लौटने का फरमान सुनाया और जब लोग नहीं माने तो AK-47 राइफल से अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें 3 अफगान नागरिकों की मौत हो गई और दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। तालिबानियों ने ऑस्ट्रेलियाई सेना के लिए काम करने वाले एक पूर्व अफगान ट्रांसलेटर पर भी गोली चलाई। तालिबान उन सभी अफगानियों को एयरपोर्ट आने से रोक रहा है जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है। We don't know what's happening next. I have never felt it to this extent. Helpless, hopeless, disappointed, poor and miserable in my life. कोई भूख से मर रहे हैं, वो लोग हैं तो किसी को जीने नहीं देगा। किसी को अगर रात में बाहर देखा, घर से बाहर देखा, उसको मार देगा। इस तरीके में बात करें जैसे वो लोगों का गलू दबा हुआ है। डर के मारे कोई अगर भूखा हो तो ग्रोसरी स्टोर तक जा नहीं सकता कुछ खाने के लिए। इस घर से बाहर नहीं निकल सकते। इसके अलावा काबुल एयरपोर्ट तक लोगों के नहीं पहुंच पाने के लिए शहर में जगह जगह तालिबानियों ने चेक पोस्ट बनाए हैं, जिसे पार करने की कोशिश करने वाले अफगानियों के साथ मारपीट की जा रही है। इस बीच अमेरिकी वायुसेना ने बुधवार रात भी 1800 लोगों का काबुल से रेस्क्यू किया है। इन्हें 10 C-17 ग्लोब मास्टर से अमेरिका ले जाया गया। अमेरिका ने 14 अगस्त से अब तक काबुल से 6000 लोगों का रेस्क्यू किया है। बुधवार को 24 घंटों में यहां से अलग अलग देशों के करीब 5000 लोगों को निकाला गया, जिनमें डिप्लोमेट, सिक्योरिटी स्टाफ और अफगानी शामिल हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने तालिबान के चंगुल से लोगों को निकालने के लिए कमर कसने का दावा किया है। 22,000 अफगानियों को शरण देने का भरोसा दिया है, जिसके तहत अमेरिका के विमान अफगानिस्तान के अलग अलग एयरपोर्ट से काबुल पहुंच रहे हैं। अमेरिका ने काबुल में रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स तक उतार दिए हैं, लेकिन तालिबानी लड़ाकों के जिद के आगे US हेलीकॉप्टर्स उड़ान नहीं भर पा रहे। तालिबान के चंगुल से अफगानियों का रेस्क्यू मुश्किल हो रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है अब ये जान लीजिए। दरअसल 4 दिन पहले अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने कहा था कि जो लोग अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं उन्हें रोका नहीं जाएगा, लेकिन अब तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट को घेर लिया है और लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने से रोक रहा है। सिर्फ विदेशियों को ही जाने दिया जा रहा है और उसकी तस्दीक ये सैटेलाइट इमेज कर रही है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश करने वालों की भीड़ लगी है, लेकिन एयरपोर्ट रोड की शुरुआत पर ही तालिबान ने पहरा लगा दिया है। वहीं से अफगानियों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर लोग आगे चले भी जाते हैं तो एयरपोर्ट के गार्ड टावर से तालिबानी फायरिंग करने लगते हैं, और सबसे ज्यादा हिंसा काबुल एयरपोर्ट के मेन गेट पर हो रही है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से यहाँ हजारों अफगानी डटे हैं, भूखे प्यासे देश छोड़ने के जिद पर अड़े हैं। यहाँ कल तालिबानियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 3 अफगानियों की जान चली गई। सिर्फ कल ही नहीं बल्कि पिछले 3 दिनों से काबुल से जो तस्वीरें आ रही हैं, उनमें दिख रहा है कि अफगानिस्तान छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंचे अफगानियों पर तालिबान के दहशतगर्द गोलियां चला रहे हैं, कोड़े बरसा रहे हैं और उन पर धारदार हथियार से हमले कर रहे हैं। अफगानिस्तान से तालिबान का दोहरा चेहरा सामने आ रहा है। तालिबानी वादे के बीच अफगानिस्तान में मानवता लहूलुहान है, और यही भारत समेत पूरी दुनिया के लिए बड़ी फिक्र है। लेकिन हिंदुस्तान की दो और बड़ी फिक्र है, वो है अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान के हाथ लगा अरबों डॉलर का अमेरिकी घातक हथियार। चीन और पाकिस्तान उन अमेरिकी हथियारों की बंदरबांट में लगे हैं, इसीलिए आज हम आपको इस फिक्र से जुड़ी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन पहले एक तस्वीर देखिए। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल राशिद दोस्तम के बेटे यार मोहम्मद दोस्तम ने अपने लड़ाकों के साथ तालिबान के खिलाफ बने फ्रंट को ज्वाइन कर लिया है, जिसका नाम है रेजिस्टेंस फ्रंट। और पंजशीर घाटी में इसकी अगुवाई अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं। पंजशीर वही इलाका है जहां अभी जंग खत्म नहीं हुई है। फिलहाल पंजशीर की
घाटी में तालिबान के खिलाफ किलेबंदी हो रही है ताकि उसे अफगानिस्तान से खदेड़ा जाए। लेकिन बैठे बिठाए तालिबान अब कई गुना ताकतवर हो गया है। अमेरिकी फौज आधुनिक हथियारों का जखीरा अफगानिस्तान में छोड़कर चली गई है। टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां और तोप, हेलीकॉप्टर से लेकर राइफल तक, तमाम वेपन्स अब तालिबान के पास हैं। और अब ये जिन दो देशों के पास पहुंचने वाले हैं वो भारत की फिक्र बढ़ा रहे हैं। आग उगलते अमेरिकी तोप, बारूद बरसाते अमेरिकी टैंक, आसमान से मौत बरसाते अमेरिकी हेलीकॉप्टर, अल्ट्रा मॉडर्न यूएस मिड अटैक ड्रोन, MI-24 अटैक चॉपर्स और UH-60 ब्लैक हॉक, हजारों बख्तरबंद गाड़ियां और भारी संख्या में गोला बारूद हथियार। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद सवाल उठ रहा है कि अमेरिकी हथियारों का जो जखीरा दुनिया में किसी भी देश की सेना के लिए सपना रहा है उसका क्या होगा। तालिबानी आतंकी इन अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल आम जनता पर कर रहे हैं जिन्हें अमेरिका ने अफगान सेना को दिया था, और अफगान सेना के सरेंडर करते ही अरबों डॉलर के घातक हथियार तालिबान के हाथ लग गए। ऐसे में आज हम आपको तालिबान के हाथ लगे आधुनिक हथियार, उन हथियारों पर चीन पाकिस्तान की गिद्ध नजर और बंदरबाट सब डिटेल में बताएंगे, क्योंकि आज के हालात में यह खबर हिंदुस्तान के लिए दो तरफा खतरा है। अमेरिका ने अफगान सेना को जितना भी दिया वो उसके काम नहीं आया, और नतीजा ये हुआ कि बैठे बिठाए तालिबान अब कई गुना ताकतवर हो गया। टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां और तोप, हेलीकॉप्टर्स से लेकर राइफल्स तक, तमाम आधुनिक वेपन्स अब तालिबान के लोग इस्तेमाल करेंगे। तालिबान के पास दुनिया के सारे हथियार, टैंक और लड़ाकू विमानों से लेकर ड्रोन तक सब कुछ है। TV9 भारतवर्ष को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तालिबान के पास 50 से अधिक अमेरिकी M1117 टैंक हैं। रूस में बनाए गए ढेरों T-55 और 62 टैंक्स हैं। कम से कम 775 तोपे हैं, 1016 बख्तरबंद हमवीज गाड़ियां, लैंडमाइन से बचाने वाले वाहन हैं। इसका मतलब ये है कि तालिबानी बिल्कुल उसी तरह से मूवमेंट कर पाएंगे जिस तरह की मूवमेंट ट्रेंड सेनाएं करती हैं। तालिबान के हाथ जो तोपे आई हैं, उनमें अमेरिका की होविट्जर तोपे भी हैं। ऐसी 24 तोपे अमेरिका ने अफगान सेना को दी थी। अमेरिका की मैक्स प्रो माइन प्रोटेक्टेड गाड़ियां भी तालिबान के लड़ाकों को मिल गई, जिनकी मदद से तालिबान पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा लाखों आधुनिक हथियार और गोलियां भी इसमें शामिल हैं। मैदान छोड़कर भागती अफगानी सेना अपने पीछे हजारों ग्रेनेड, रॉकेट और विस्फोटक सामग्री आर्मी बेस पर छोड़ गई है, जहां अब तालिबानियों का ठिकाना है। अगर तालिबान के जखीरे में शामिल एयरक्राफ्ट की बात करें तो अब तक तालिबान के पास अमेरिका में बनाए गए MI-24 अटैक चॉपर्स, UH-60 ब्लैक हॉक, रूस में बनाया गया MI-817 ट्रांसपोर्ट और ब्राजील में बनाए गए A-29 सुपर टुकानो लाइट फाइटर्स मौजूद हैं। इसमें स्काई सेंटिनल ड्रोन और स्कैन ईगल ड्रोन भी है, जिसका इस्तेमाल हवाई हमलों के लिए किया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने भी माना है कि सभी सैन्य सामान कहां गए ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इसका एक बड़ा हिस्सा तालिबान के हाथ लग गया है। हमें अंदाजा नहीं है कि वो ये सब अमेरिका को लौटाने के लिए कभी तैयार होंगे। मसलन इन हथियारों को लेकर अमेरिका की भी नींद उड़ी हुई है। हालांकि तालिबान के हाथ लगा हवाई जंगी खजाना फिलहाल तालिबान के लिए बेकार है। तालिबान के पास उन्हें उड़ाने के लिए लोग नहीं है। अगर तालिबान बिखर चुकी अफगानी सेना से जबरन काम करवा भी ले तो इसके पास विदेशी कंपनियों से मिलने मुश्किल हैं। ऐसे में डर है कि मेंटेनेंस और मदद के नाम पर पाकिस्तान इन्हें हथिया सकता है, और टेक्नोलॉजी के मामले में घोषित चोर चीन इन हथियारों की टेक्नोलॉजी चुरा सकता है ताकि खुद इसे डिफेंस की तकनीक बना सके। अमेरिका और नाटो के हथियारों की ये बंदरबांट भारत के लिए बड़ी फिक्र है। जो अमेरिका है उसके लिए जो छोड़ा गया जो बख्तरबंद गाड़ियां या जो सोफिस्टिकेट इक्विपमेंट थोड़ा बहुत पीछे रह गया है वो उसके लिए एक तरीके से ऑब्सलीट हो चुका है, वो एक जंक है, कचरा है, उसको वो छोड़ चुके हैं क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। लिहाजा अगर ये टेक्नोलॉजी चीन के पास चली भी जाती है, पाकिस्तान के पास चली भी जाती है, फिर भी अमेरिका की जो आर्मी है उसकी जो आर्मामेंट है, उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो इन सबसे बहुत आगे रहेगी।
हालांकि अफगानिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब रूस अफगानिस्तान से निकला था तब भी हथियारों की बंदरबांट इसी तरह हुई थी। रशियन हथियारों की लूट मची थी। चीन पाकिस्तान जैसे देश उस वक्त भी इस लूट में आगे थे। हालांकि भारत के लिए एक फिक्र हथियारों के बंदरबांट से आगे की है। तालिबान के जरिए यह हथियार दूसरे आतंकी संगठनों को भी मिल गए तो खतरा और बड़ा हो सकता है। वैसे तालिबान ने इन हथियारों से खुद को चाक चौबंद कर लिया और ये सब प्लानिंग के साथ किया ताकि इन्हीं अत्याधुनिक हथियारों का डर दिखाकर वो आसानी से अफगानिस्तान पर दबदबा जमा सके। अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान की ताकत से हर कोई हैरान है। दुनिया का हर व्यक्ति ये जानने के लिए व्याकुल है कि आखिर अमेरिका जैसा सुपर पावर भी तालिबान जैसे एक आतंकी संगठन से कैसे हार गया। आज हम आपको इसी तालिबान की ऐसी ताकत से मिलवाने जा रहे हैं जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आई थी। तालिबान की इस ताकत का नाम है 313 बद्री बटालियन। देखने में बिल्कुल अमेरिका के मरीन कमांडो की तरह। वही अत्याधुनिक घातक अमेरिकी M4 राइफल्स, बॉडी आर्मर, नाइट विजन गॉगल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट और हथियारों से लैस हम्वी गाड़ी। आमतौर पर तालिबानी लड़ाके आपको सलवार कमीज और AK-47 को कंधे पर लटकाए दिखते होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखिए। इस 313 बद्री बटालियन को देखकर सुपर पावर अमेरिका भी दंग है, क्योंकि इनके पास अमेरिकी हथियार है। काबुल में प्रेसिडेंशियल पैलेस पर तालिबान की इस ब्रिगेड का पहरा है। तालिबान ने अपने बद्री बटालियन के कमांडो को बेहद खास मकसद को पूरा करने के लिए काबुल में तैनात किया है ताकि अफगान फोर्सेस किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कब्जा ना कर सके। तालिबान के इसी बदले तेवर से आम अफगानी खतरे में है, खासतौर से वो अफगानी जो 20 साल तक आतंक के खिलाफ लड़ाई में अमेरिकी सेना का साथ देते रहे। और ऐसे लोगों का अमेरिकियों ने जो बायोमेट्रिक डेटा तैयार किया था वो भी तालिबान के हाथ लग चुका है। इस डेटा से तालिबान कैसे खूनी लिस्ट का खाका खींच सकता है, खुद देखें इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सेना 20 साल तक अफगानिस्तान में दबदबा बनाए रही। तालिबानी आतंकियों को खदेड़कर तोरा बोरा के पहाड़ियों तक पहुंचा दी। उस वक्त ये सफलता सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं मिली थी, इसमें आम अफगानी भी थे जो लगातार अमेरिकी सुरक्षा बलों की मदद कर रहे थे। अब इन मासूम मददगारों की जिंदगी पर मौत मंडरा रही है। तालिबानियों को इन अफगानी मददगारों की पूरी लिस्ट मिल गई, पूरी जानकारी मिल गई। इनकी आंखें कैसी, इनका चेहरा कैसा है, हाथ कैसे, उंगलियां कैसी, तालिबान को सब पता चल गया है। तालिबान ने अमेरिकी सैन्य बायोमेट्रिक्स डिवाइसों को ही जब्त कर लिया। इस डिवाइस में विदेशी सुरक्षा बलों की सहायता करने वाले अफगानिस्तान के लोगों की पूरी पहचान मौजूद थी। आप जानकर चौंकेंगे कि ये खुलासा भी अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने ही किया है। द इंटरसेप्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक हैंडहेल्ड इंटेलिजेंसी आइडेंटिटी डिटेक्शन इक्विपमेंट यानी हाइट डिवाइस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इस डिवाइस पर तालिबान के कब्जे से अमेरिका के होश उड़ गए। अमेरिकी फौज के टॉप ऑफिसर्स चिंतित हैं। उन्हें डर है कि तालिबान इस डिवाइस में मौजूदा डेटा का इस्तेमाल अपने एजेंडे के लिए कर सकता है, अमेरिकी मददगारों को खोज खोज कर मौत के घाट उतार सकता है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्योंकि हाइट डिवाइस के जरिए बायोमेट्रिक डेटा की पहचान होती है, जैसे कि आयरिस स्कैन, साथ ही संबंधित इंसान को लेकर और अधिक सैकड़ों जानकारी। हालांकि अब तक यह साफ नहीं कि तालिबान ने इस डेटा को किस हद तक प्रोसेस किया है। अफगानिस्तान में आर्मी स्पेशल ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों ने ही द इंटरसेप्ट को बताया है कि हाई डेटा को प्रोसेस करने के लिए तालिबान को कई एडवांस उपकरणों की जरूरत होगी, लेकिन डर इस बात का भी कि इसमें पाकिस्तान तालिबान की मदद कर सकता है। तालिबान के पास ऐसा कोई टूल नहीं जिससे वो इसे प्रोसेस कर सकता है, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के पास ऐसे टूल है। ये डिवाइस कितना अहम है इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अमेरिकी सेना ने तालिबान के खिलाफ लंबे वक्त से हाइट डिवाइस का इस्तेमाल किया है। 2011 में पाकिस्तान में छिपे ओसामा बिन लादेन की पहचान करने के लिए बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका ने आतंकियों का पता लगाने के लिए अफगानिस्तान की 80% आबादी का बायोमेट्रिक डेटा जमा किया था और ये सभी हाइट डिवाइस में सुरक्षित थे। अब यह डिवाइस तालिबान के कब्जे में, यही वजह है कि तालिबान ने देश छोड़कर जा रहे अफगानियों पर सख्ती शुरू कर दी। काबुल एयरपोर्ट पर कई चेक पोस्ट बनाए गए, यहाँ एयरपोर्ट जाने वाले अफगानियों को रोका जा रहा है।
दस्तावेज जांचे जा रहे हैं। तालिबानी इंटरप्रेटर को गोलियां मार रहे हैं। बुधवार को भी ऐसा ही हुआ। जब विमान में चढ़ने के लिए लाइन में लगे इंटरप्रेटर को तालिबान ने गोली मार दी। ये इंटरप्रेटर पहले फौज के साथ काम करता रहा है। डर का आलम यह कि लोग पहचान छुपाने के लिए अपने कागजात जला रहे हैं। लोगों को डर है कि तालिबान की इंटेलिजेंस देर सवे हर उस शख्स का पता लगा लेगी जिसने विदेशी सेना का साथ दिया। तालिबान ऐसे सभी लोगों पर जासूसी और देशद्रोह का आरोप लगाकर मौत की सजा दे सकता है। हालांकि तालिबान ने कई बार कहा कि वह अफगान सरकार और विदेशी ताकतों के साथ काम करने वालों को कोई सजा नहीं देगा, लेकिन अमेरिका को तालिबान के इस वादे पर भरोसा नहीं। ऐसे में अब देखना यह कि तालिबान इन बायोमेट्रिक्स डिवाइसों के साथ क्या करता है। आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि तालिबान के लौटने से भारत पर क्या असर पड़ेगा। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने जिन आतंकियों को ट्रेनिंग देकर अफगानिस्तान भेजा था वो अब वापस पाकिस्तान लौट चुके हैं। जाहिर है जो ISI दिन महीने साल कश्मीर में अशांति फैलाने के सपने देखती रहती है वो किसी नए षड्यंत्र की फिराक में होगी। आइए आपको दिखाते हैं ISI और अलगाववादियों की किस साजिश की वजह से यह पर्दाफाश हुआ है। कश्मीर की ऐसी तस्वीर अब बीते दिनों की बात हो गई, लेकिन वो कौन लोग हैं जिन्होंने घाटी में अशांति फैलाने की साजिश रची? इस सवाल के जवाब में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा इस बात का हुआ है कि पाकिस्तान स्थित कॉलेजों में दाखिले के नाम पर पैसा इकट्ठा किया जाता है और उसका इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने में होता है। जम्मू कश्मीर पुलिस के ब्रांच CIK यानी काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जफर अकबर नाम का एक अलगाववादी नेता भी शामिल है। आप इस साजिश को ऐसे समझिए कि इनाम के किसी छात्र से इन लोगों ने 10 से 12 लाख रुपए लिए और पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के किसी मेडिकल कॉलेज में उसका दाखिला करा दिया। लेकिन ये पैसा उस कॉलेज तक नहीं गया, बल्कि पैसा आतंक फैलाने के काम में इस्तेमाल किया गया। यानी ए ने जम्मू कश्मीर में किसी एडमिशन कराने वाली एजेंसी से संपर्क किए जो अलगाववादी नेताओं के संपर्क में है। अलगाववादियों ने सीमा पार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संपर्क किए, जिसने ए नाम के छात्र का एडमिशन सीमा पार किसी कॉलेज में करा दिया और बदले में मिले पैसे पत्थरबाजी से लेकर दहशत फैलाने के दूसरे कामों के लिए भेज दिए गए। यानी ये सारे लोग उस रैकेट का हिस्सा है जिसमें एडमिशन करने वाली एजेंसियां, अलगाववादी नेता और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भी शामिल है। पाकिस्तान की कई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में करीब 40 के आसपास रिजर्व सीट्स रखी जाती थी जो कि कश्मीरी मिलिटेंट्स के परिवारजनों के लिए या हुर्रियत नेताओं के परिवारजनों के लिए फ्री रखी गई थी। यानी इन सीट्स पर MBBS या इंजीनियरिंग करने के लिए कोई रकम नहीं लगती थी, तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए अलगाववादी नेता और अलगाववादियों का समर्थन करने वाले कुछ लोग इसे अलगाववादी गतिविधियां और मिलिटेंसी को यहां पर फंड करने के लिए इस्तेमाल करते थे। पाकिस्तान के कॉलेजों में एडमिशन के लिए हुर्रियत के नेताओं का जो कोटा होता था उसके तहत ऐसे अभिभावकों को भी सीटें बेच दी जाती थी जिनका किसी मारे गए आतंकी से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों का दाखिला पाकिस्तान के किसी मेडिकल या दूसरे प्रोफेशनल कोर्स में कराना चाहते हैं। इस तरह का डाटा कोई कंपाइल नहीं हुआ है कि कौन कौन लोग पाकिस्तान में पढ़ने के लिए गए हैं, MBBS के लिए या इंजीनियरिंग के लिए या बाकी कोर्सेज के लिए। हम लोगों ने मालूम करने की कोशिश करी गवर्नमेंट की एजेंसीज के पास या एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास, जो नोडल एजेंसी है हमारी, इस तरह का कोई डाटा नहीं है। हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा डाटा कंपाइल हो जाए ताकि जेन्युइन स्टूडेंट अगर कोई वहां पर पढ़ रहा है तो उसको किसी तरह की दिक्कत ना आए। एक छात्र से एडमिशन के लिए करीब 10 से 12 लाख रुपए लिए जाते थे और साल भर में 40 सीटों पर दाखिले होते थे। यानी हिसाब लगाया जाए तो कम से कम 4 करोड़ रुपए हर साल आतंकवाद के नाम पर इकट्ठा किए जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में पुख्ता सबूतों के आधार पर गिरफ्तारियां की जिनमें बैंक ट्रांजैक्शन, डायरियों में दर्ज एडमिशन का ब्यौरा और डिजिटल फॉर्म में मिले कुछ दस्तावेज शामिल है। सबसे खतरनाक बात यह है कि सीमा पार पढ़ाई के लिए जाने वालों में 57 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने हाथों में हथियार थाम लिए। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि आतंकी ट्रेनिंग लेकर लौटे 17 युवक
मुठभेड़ में मारे गए, जबकि 13 की तलाश जारी। कई लोगों की लगातार ये भी मांग रही है कि पाकिस्तान से हासिल की हुई डिग्रियों को यहाँ मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, उससे इन तमाम गतिविधियों पर रोक लग सकती है। आपको बता दें, पिछले कई दशकों से पाकिस्तान की इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कश्मीरी युवाओं के लिए ये सीट्स मुफ्त रखी जाती थी, लेकिन इन्हें एडमिशन तभी मिलता था जब किसी हुर्रियत नेता या हुर्रियत संगठन की तरफ से इन्हें क्लीन चिट मिलता था, और क्लीन चिट मिलने के बाद इनका एडमिशन होता था और यहाँ इनके परिवार से उसके एवज पैसा लिया जाता था। अब आप ही सोचिए, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जब कश्मीर में नया दौर शुरू हो रहा है, तब भला सीमा के इस पार और सीमा के उस पार कुछ लोगों को कश्मीर की तस्वीर भला कैसे अच्छी लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवीएन भारतवर्ष। केंद्र की योजनाएं जनता तक पहुंचाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की गई है। इसमें केंद्रीय मंत्री अलग अलग जगहों की यात्रा कर रहे हैं और लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। आज 5 केंद्रीय मंत्रियों की यात्रा कहां तक पहुंची, इस रिपोर्ट में देखें। ये मोदी सरकार के वो 4 मंत्री हैं जो केंद्र में नया कार्यभार संभालने के बाद जनता का आशीर्वाद लेने निकले हैं, जिनमें से एक हैं अनुराग ठाकुर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री का पदभार संभाल रहे अनुराग ठाकुर 5 दिन की जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं और नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं। मंत्री जी की ये यात्रा करीब 600 किलोमीटर की होगी, जिस यात्रा में आज उनका पड़ाव था परवाणु, जहां लोगों ने इनका फूल मालाओं से स्वागत किया। और हिमाचल छोटा सा राज्य है और वहाँ का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है जनता में। निश्चित तौर पर जिनके साथ मैंने लाठी भी खाई, आंदोलन भी किए, जिनके साथ गांव-गांव जाकर काम भी किया, निश्चित तौर पर उन भाई और बहनों में जोश रहेगा ही। ना उनको बारिश रोक पाई, ना बाकी और रुकावटें रोक पाई, इसीलिए इतनी बारिश के बावजूद भी उत्साह, उमंग, जुनून किसी में कोई कमी नहीं है। और शायद यही है कि इससे प्रेरणा और लेकर हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में देश का और काम कर पाएंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव भी जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं और 3 दिन के लिए राजस्थान में उनका पहला पड़ाव रहा भिवाड़ी, जहां लोगों ने केंद्रीय मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। भूपेंद्र यादव 3 दिन में राजस्थान में 400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेंगे और 40 जगहों पर जनता से संवाद करेंगे, बीजेपी सरकार और पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला करके फिर से राजस्थान में कमल को खिलाना, हम उस संकल्प को करने के लिए निकले। 5 साल तक राजस्थान में सरकार चली केवल जन कल्याणकारी योजनाओं की सरकार चली, और अब तो 3 साल से सरकार चल रही है। दिल्ली में मेरे को पत्रकार कहते हैं, साहब सरकार नहीं चल रही है, पिक्चर चल रही है। मैंने कहा कौन सी, बोले किस्सा कुर्सी का। अभी तक समझ में नहीं आ रहा इसमें बैठेगा कौन, और खेल भी चल रहा है तो रुमाल झपटेगा। जन आशीर्वाद यात्रा पर 2 केंद्रीय मंत्री ओडिशा पहुंचे हैं। ये 2 मंत्री हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिनका भुवनेश्वर एयरपोर्ट से लेकर पुरी तक भव्य स्वागत किया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने कटक और खुर्दा में जगह जगह जनता से संवाद किया और केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाई। पुरी में महाप्रभु का दर्शन करने के बाद दोनों मंत्री भुवनेश्वर लौट आएंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद लेकर की। इसके बाद उन्होंने श्री वेंकटेश्वर आयुर्विज्ञान संस्थान में वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन ड्राइव का जायजा लिया। अब बात आपके पसंदीदा न्यूज नेटवर्क TV9 की। TV9 ग्रुप के CEO वरुण दास ने देश की सबसे बड़ी ब्रॉडकास्टिंग न्यूज बॉडी NBF में वाइस प्रेसिडेंट पद की जिम्मेदारी संभाली है और ग्रुप के फेडरेशन ज्वाइन करने पर NBF ने TV9 नेटवर्क का गर्मजोशी से स्वागत किया। NBF देश के ब्रॉडकास्टर्स की पहली बॉडी है और फेडरेशन ज्वाइन करने पर TV9 ग्रुप के CEO वरुण दास ने खुशी जताते हुए कहा कि हमें NBF ज्वाइन करने से खुशी है और मैं गवर्निंग बॉडी के कामकाज के लोकतांत्रिक तरीकों से प्रभावित हूं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर टीवी चैनलों को एक बड़ा दर्शक वर्ग और रेवेन्यू मिलता है, इसीलिए न्यायसंगत यही है कि न्यूज़ चैनल क्षेत्रीय लोगों के हक की आवाज़ भी उठाएं और इंडस्ट्री को सही दिशा में ले जाएं।
टीवी 9 नेटवर्क के ग्रुप सीईओ और एनबीएफ के नए वाइस प्रेसिडेंट वरुण दास ने यह भी कहा कि टीवी न्यूज के क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है और ऐसे में नए चैनलों के लिए उपयुक्त अवसरों की जरूरत है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर नए चैनलों को मौका मिलना चाहिए, इसके लिए लगातार प्रयासों की जरूरत है। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ एक नई तरीके से नई वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की है। इसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मिंग का तरीका अपनाया गया है। कोविड के खिलाफ बनी इस वैक्सीन का नाम कोवेल्प दिया गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस तकनीक से तैयार वैक्सीन की कीमत काफी कम होगी। कोरोना को मात देने वाले मरीजों को लॉन्ग कोविड होगा या नहीं, एक ब्लड टेस्ट के जरिए ये पता लगाया जा सकेगा। इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने लॉन्ग कोविड के मरीजों पर एक रिसर्च की है, जिसमें पता चला कि संक्रमण के बाद ब्लड में साइटोकाइंस नाम के एक खास तरह के प्रोटीन मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, जिससे पता लग सकता है कि मरीज लॉन्ग कोविड से परेशान होगा या नहीं। केंद्र सरकार जल्द ही नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबरी का ऐलान कर सकती है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से जारी सुझाव में बताया गया है कि देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम शुरू कर देना चाहिए। हर महीने कम से कम 2000 रुपए की पेंशन दी जानी चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर के बाद 2021 की दूसरी तिमाही में देश भर में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है। रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बिजनेस सर्वे राउंड 18 के मुताबिक रिटेल बिक्री प्री कोविड लेवल यानी साल 2019 के लेवल के 72% तक पहुंच गई है, यानी अब सिर्फ 28% का फासला रह गया है, जो इस फेस्टिव सीजन में पूरा हो सकता है और प्री कोविड लेवल पार होने की उम्मीद है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।